नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एसएससी बनो के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए रीजनिंग का एक और शानदार प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, यहाँ पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर यह 16 होने वाला है। इससे पहले कि दोस्तों आप सभी ने 15 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा। उसका वीडियो का जो लिंक है दोस्तों, वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं लुप्त पदों को ज्ञात करना, दोस्तों इसमें हमको लुप्त पदों को ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है ई जेड एफ जी एक्स एच और के टी एल क्यू एन QNR, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रश्न हम लेकर हाजिर हूँ। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे जो दोस्तों परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्या करें दोस्तों, इन्हीं लॉजिक पर या सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आए हुए परीक्षाओं में दिए गए हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हम पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है, यह दोस्तों नंबर श्रृंखला का है। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है, इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। अगर चर्चा करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हम कहेंगे एक से अगर छः में जाते हैं तो हम कहेंगे दोस्तों 5 का अंतर है। इसी प्रकार से अगर 6 से 31 में जाते हैं तो कहेंगे दोस्तों 25 का अंतर है। अगर हम 31 से दोस्तों 156 में आते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे 6 में से 1 चला जाएगा 5 बचेगा, 5 में से 3 चला जाएगा 2 बचेगा, 125 का अंतर है। दोस्तों ऐसे यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर वह क्या आने वाला है, जिससे कि 3906 बन जाएगा। हम कहेंगे दोस्तों जैसे यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर 5 है, उसके बाद 25 है, फिर 125 है। अब की बार दोस्तों 625 आएगा, क्योंकि हर जगह दोस्तों यहाँ पर 5 से गुणा गया है, फिर 5 से दोस्तों गुणा किया गया, फिर आगे भी हम 5 से गुणा करेंगे। दोस्तों जैसे यहाँ पर 625 है, हम कहेंगे 156 प्लस का 625 दोस्तों यहाँ पर हम कर देंगे। तो यहाँ से हम कहेंगे 6 5 11 आएगा और 5 और 2 7 आने वाला है। 5 और 2 7 और 1 8 निकल के आ जाएगा और 6 और 1 7 निकल के आने वाला है। 781 दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाएगा। 781 विकल्प नंबर ए में है। दोस्तों विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे दोस्तों ए सही आने वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यह दोस्तों सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। सेटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 सहकर्मी कहा गया है ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार मेज पर वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके एक दूसरे के सामने समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। दोस्तों यहां से अगर हम बैठा दें दोस्तों इन सभी को 6 को, तो हम कहेंगे आमने सामने इस प्रकार से बैठे होंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे दोस्तों यहाँ समान दूरी पर बैठे होंगे। अगर यहाँ से हम चर्चा करते हैं तो आगे क्या बताएगा, कहा गया केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हो। अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हो दोस्तों, तो हम कहेंगे इसका दायां इधर हो जाएगा, मतलब सबका दायां इधर हो जाएगा, और बायां की अगर चर्चा करें दोस्तों बायां इधर हो जाएगा। तो बात क्या करेंगे आगे, कहा गया है डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। डी जो तो दोस्तों जो है वह ई और बी के ठीक बगल में बैठा हुआ है, मतलब कि जहाँ पर दोस्तों डी आएगा वह हम कहेंगे ई बी के बगल में बैठा है। ऐसा भी बैठ सकता है या दोस्तों ऐसा भी बैठ सकता है, कोई यहाँ पर निश्चित नहीं है, यहाँ पर निश्चित नहीं है कि वह कैसा बैठ सकता है। इस प्रकार से भी बैठ सकता है, इस प्रकार से भी बैठ सकता है। आगे जबकि सी दोस्तों जो है वह ए और एफ के ठीक बगल में है, सी दोस्तों हम कहेंगे ए और एफ के बगल में, ऐसा बैठ सकता है तो दोस्तों ऐसा बैठ सकता है, इस प्रकार से बैठ सकते हैं, मतलब कि दोनों में से किसी एक तरीके से बैठ सकते हैं। आगे यदि दोस्तों ए जो है वह ए के, ए जो है दोस्तों वह ई के ठीक बाईं ओर बगल में बैठा है, ए जो है दोस्तों वह ई के बाईं ओर, अगर हम ई का दोस्तों यहाँ से बाएं देखते हैं तो कहेंगे बाएं तो इधर आएगा डी बैठेगा, यह वाला गलत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर यह सही हो जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, उसके बाद सी आएगा और एफ आएगा। इस प्रकार से दोस्तों बैठ सकते हैं, इस प्रकार से बैठ सकते हैं, यहाँ पर यह वाला भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर यह वाला सही हो जाएगा। तो इनको हम चलिए दोस्तों बैठाते हैं। तो हम कहेंगे दोस्तों पहले तो बैठेगा यहाँ पर, पहले बैठेगा यहाँ पर बी, बी हम कहीं पर बैठा देते हैं, बी यहाँ पर बैठा दिए हैं। फिर इसके अगर हम देखते हैं दोस्तों इसके दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ हम कहेंगे दोस्तों डी बैठा, इसके दाएं नहीं दोस्तों यहाँ बाएं, बाएं तरफ डी बैठा हुआ है और इसके इधर ई बैठा हुआ है, ई के बाद
या इधर सी बैठ ए बैठा हुआ, फिर सी बैठा हुआ, फिर दोस्तों यफ बैठा हुआ। अब दोस्तों सारे बैठ गए, अब पूछा क्या गया है, तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है। तो सी के दोस्तों बाईं ओर ठीक बगल में हम कहेंगे ए बैठा हुआ है, ए ही तो बैठा हुआ है। बाईं ओर पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर सॉरी बाईं ओर पूछा गया, यफ बैठा हुआ है। सी के बाईं ओर हम कहेंगे कौन बैठा दोस्तों, यफ बैठा हुआ है। तो यह विकल्प नंबर 3 में है। तो दोस्तों 3 वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ से दोस्तों 3 सही आता है, हम कहीं दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कहा गया है यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे रक्त संबंध का प्रश्न है। रक्त संबंध का दोस्तों प्रश्न जो होता है वह तीन तरीकों से पूछा जाता है। यह तो एक तरीका है, अभी दोस्तों एक तरीका और इसमें निकल के आएगा, अभी दोस्तों वह भी हम इसमें रखे गए हैं। जैसे यहाँ पर बात करते हैं ए बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का क्या अर्थ है दोस्तों, ए दोस्तों वहाँ बी का पिता है, मतलब कि यहाँ पर प्लस है, वहाँ पर दोस्तों पहला वाला पिता हो जाएगा, पिता है। आगे यहाँ पर भी प्लस है तो दोस्तों हम कहेंगे पिता है, पिता का पिता है दोस्तों दादाजी हो जाएगा, दादाजी यह हो जाएंगे। और आगे हैज का क्या है दोस्तों, बहन है, या दोस्तों दादा की बहन है, दादा की बहन है, बहन है तो माइनस में हो जाएगा। आगे ये दोस्तों ऐट द रेट क्या देखा है, ऐट द रेट दोस्तों जो है वह बताया गया है कि भाई है या इसका भाई होने वाला है, भाई है, भाई है, तो यहाँ पर हम कहेंगे प्लस में है। हम कहेंगे दोस्तों यह पिता है, पिता के पिता दादा हो जाएंगे, दादा की बहन हम कहेंगे दोस्तों वह बुआ होती है, मतलब कि कुछ भी हो। आगे भाई उनका भाई जो दोस्तों हम कहेंगे दोस्तों दादा का भाई होगा वह हम कहेंगे दोस्तों वह चाचा या ताऊ होगा, चाचा या ताऊ होगा दोस्तों। इस प्रकार से हम कहेंगे सही जवाब निकल के आ जाएगा, क्या होगा दोस्तों, चाचा या सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया, बी का ए से बताया गया है, बी का ए से बताया गया दोस्तों। यही गलती जो होती है दोस्तों, इसी गलती को आप दोहरा भी सकते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, पहले वाले दूसरे वाले संबंध पहले वाले से बताया गया है दोस्तों। यहाँ पर जो लॉजिक था बहुत बढ़िया शानदार लॉजिक था, ये सब दोस्तों गलती आप क्वेश्चन पेपर में भी कर सकते थे। ऐसे ही दोस्तों हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है कि पहले वाले का संबंध दूसरे वाला संबंध पहले से बताया गया, क्या है यह एट द रेट का मतलब क्या था, भाई है या इसका भाई होने वाला, भाई है तो प्लस में हो जाएगा। आगे हैज का क्या था दोस्तों दिया गया है, कहा गया है बी दोस्तों वह एक ही बहन है, बी वाला सेकेंड वाला या इसकी बहन है, बहन हो जाएगी तो माइनस में हो जाएगा। आगे प्लस का क्या था दोस्तों दिया गया है दोस्तों, पिता है, पिता यहाँ पर हो जाएगा, पिता है तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। फिर से यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे पिता है या पिता है तो प्लस में हो जाएगा, पिता है। तो आगे क्या दोस्तों यहाँ पर दिया गया, पूछा गया है कि ई का ए से कैसे संबंध है, ई का पूछा गया है ए से किस प्रकार से संबंध है। हम कहेंगे दोस्तों भाई है, भाई की बहन हम कहेंगे बहन हो जाएगी, और बहन के पिता पिता हो जाएंगे हमारे, और पिता के पिता दादा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे हमारे, दादा हो जाएंगे दोस्तों, दादा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, दादा विकल्प नंबर 1 में है दोस्तों। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे दोस्तों 1 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा गया है वह विकल्प चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, कहा गया घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब इसको दोस्तों हम घुमा नहीं सकते, एकदम सेम टू सेम यही आके धोना है। अगर हम इस वाले की चर्चा करते हैं फर्स्ट वाले की, दोस्तों यहाँ पर तो दिख रहा है, मगर इसका दोस्तों आधा कोना अगर यहाँ से इस प्रकार से होता तो दोस्तों यह सही हो जाता, मगर यहाँ पर इस प्रकार से नहीं दिख रहा है तो हम कहेंगे यह दोस्तों गलत हो जाएगा। अगर हम चेक करते हैं दोस्तों दो वाले को, तो दो वाला दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पर दोस्तों नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा तो गलत हो जाएगा। अगर हम तीन वाले को चेक करते हैं दोस्तों, तीन वाला तो यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ पर ऐसे जाएंगे और यहाँ से इस तरीके से मुड़ जाएंगे, फिर इस तरीके से यहाँ पर मुड़ा है और यहाँ पर इस तरीके से मुड़ा है, तो हमें दोस्तों तीन वाला यहाँ पर दिख रहा है तो तीन वाला बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, चार वाला यहाँ से गलत हो जाएगा। तो तीन वाला जैसे दोस्तों सही होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दिया गया है, कहा गया है कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। दोस्तों श्रृंखला को कौन सा शब्द पूर्ण करने वाला है, अगर यहाँ से हम चर्चा करते हैं तो जेड से डब्लू बनाया गया, जेड से डब्लू कैसे बनाया गया, हम कहेंगे दोस्तों जेड होता है, जेड कितने पर होता है, 26 पर होता है, और जेड डब्लू 23 पर होता है, तो माइनस का दोस्तों 3 किया गया है। आगे क्यू से यन, क्यू 17 पर होता है, यन 14 पर होता है, माइनस का 3 दोस्तों यहाँ पर किया गया है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर भी हम माइनस का 3 कर देंगे, डब्लू 23 में से अगर 3 घटाएंगे तो 20 आएगा, 20 पर दोस्तों टी होता है,
तो टी यहाँ पर आ जाएगा। टी किस में दिया गया, हम कहेंगे ना इसमें दिया गया, ना इसमें, ना इसमें। दोस्तों टी सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प में दिया गया, वह विकल्प नंबर चार है। जब दोस्तों यहाँ पर एक ही से आसान आ रहा है तो हम कहेंगे यही को सही कर देंगे, एक को, चार को जैसे सही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छः है। कहा गया दोस्तों नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। दोस्तों यह मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। अगर हम इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो हम कहेंगे क्रास और प्लस को, जहाँ क्रास दिया गया वहाँ पर प्लस लिख देंगे, जहाँ क्रास है वहाँ पर प्लस लिखेंगे और इसको मिटा देंगे, और जहाँ प्लस है वहाँ पर दोस्तों हम क्रास लिख देंगे इस तरीके से। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं भागुयोग के नियम से दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों कि 42 लिखा गया, गुणे 16 लिखा गया और बटे में दोस्तों 7 लिखा गया। अगर यहाँ से काटते हैं 7 छंग 42 छः बार जाएगा। अगर यहाँ से हम दोस्तों गुणा करते हैं 6 36 आएगा और 6 कन्नम 6 3 9 96 निकल के आ जाएगा। 96 माइनस का 36 है और प्लस का दोस्तों 16 है। अगर यहाँ से दोस्तों हम जोड़ते हैं 6 12 आ जाता है। अब पहले घटा ही देते हैं, 6 में से 6 चला जाएगा दोस्तों 6 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, और आगे 9 में से 3 चला जाता है दोस्तों, तो हम कहेंगे 9 में से अगर 3 चला जाता तो यहाँ पर बच जाता है 3, क्या हो जाता है दोस्तों 6 बच जाएगा। तो 60 प्लस का 16 दोस्तों कुल मिलाकर 76 निकल के आने वाला दोस्तों। यह जो ऑप्शन है मतलब ये आ रहा है दोस्तों, वह विकल्प नंबर एक से ही सही जवाब आ रहा है। तो विकल्प नंबर एक को यहाँ पर हम सही जवाब लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर भी यह एक कोड लिखा गया, कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में कार लाइट को दोस्तों इस प्रकार से लिखा गया है, हमको दोस्तों उसको कार्ट लाइट को इस प्रकार से लिखा गया है। तो हमको वह ढूंढना है जो दोस्तों हमको याद करना है, यहाँ पर ज्ञात करना, ज्ञात क्या करना है, कार्ट ज्ञात करना है। तो कार्ट का कोड दोस्तों इनमें से और इनमें से कोई एक होने वाला है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कार्ट इनमें है, इनमें है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है। अगर हम इन दोनों में दोस्तों कॉमन की अगर चर्चा करते हैं हम, तो इन दोनों में जो कॉमन होने वाला है दोस्तों स्ट्रॉ कॉमन होगा, तो इसलिए दोस्तों कार्ट का इस जो हो जाएगा कोड वह स्ट्रॉ हो जाएगा, स्ट्रॉ निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर किस में दिया गया है, विकल्प नंबर फर्स्ट में, तो पहला वाला ही विकल्प यहाँ से सही जवाब आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। कहा गया नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। दोस्तों किन दो चिन्हों को आपस में हम परस्पर बदलेंगे, तो यहाँ पर भी वह पिछले तरह ही प्रश्न होने वाला है। या भी अगर यहाँ पर हम पहले वाले को दोस्तों बदलते हैं, तो जैसे दोस्तों यहाँ पर हम पहले वाले को बदलेंगे, तो पहला वाला क्या दिया गया है, पहला वाला दिया गया है पहले प्लस को और फिर माइनस को, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर दोस्तों हम माइनस को लिख देंगे, इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब जैसे दोस्तों हम 18 में 5 से भागा देंगे दोस्तों, भाग बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हम कहेंगे जब दोस्तों भाग नहीं जाएगा तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ से हम कहेंगे यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भी भाग को नहीं बदला गया, हम कहेंगे जब भाग को नहीं बदला गया दोस्तों, जहाँ पर भी भाग को बदला जाएगा वह सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर भाग को नहीं बदला गया दोस्तों, हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा। जिसमें दोस्तों भाग को बदला जाएगा वही सही जवाब हो जाएगा, जिसमें भाग को बदला जाएगा दोस्तों वही सही जवाब, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, भाग को दोस्तों बदलेंगे तभी सही जवाब होगा। तो भाग को अगर बदलते हैं, तीन वाले में दिया गया है क्रास और भागे को, जहाँ पर क्रास है वहाँ पर दोस्तों भाग लिख देंगे और जहाँ पर भाग है वहाँ पर क्रास लिख देंगे, इस प्रकार से। तो 18 पंचे के दोस्तों भागुयोग के नियम से पहले दोस्तों यहाँ पर हम कहें भाग होता है, तो 12 छंग 72 हो जाएगा, 12 बार चलाएगा प्लस का, 18 पंचे दोस्तों यहाँ पर करेंगे 8 पंचे 40, 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5 और 4 9 दोस्तों 18 पंचे 90 निकल के आ जाएगा और माइनस का 9। अगर हम दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 12 आ जाएगा और 9 एक 10 102 निकल के आने वाला, 102 माइनस 9 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम कहेंगे 12 में से 9 चला जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 10, 9 बच जाएगा, 9 में से 9 यहाँ पर उतर जाएगा दोस्तों, तो 93 दोस्तों इसका सही जवाब आ रहा है, 93 ही हमको निकालना ही था। तो हम कहेंगे यह विकल्प नंबर 3 से सही जवाब निकल के आ रहा है, तो विकल्प नंबर 3 को हम सही यहाँ पर कर देंगे। जैसे 3 सही होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 9वां दिया गया है। यह दोस्तों कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे दिया गया है सभी बोतलें बैग हैं, दोस्तों जितने भी बोतल हैं ये सभी बोतल बैग हैं। आगे कुछ बैग पेंसिलें हैं, दोस्तों कुछ बैग पेंसिल हैं, आगे कहा गया कुछ पेंसिलें शार्पनर है, दोस्तों कुछ पेंसिलों का कुछ हिस्सा शार्पनर है। आगे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष जो निकल रहा है दोस्तों उस पर चर्चा करेंगे। निष्कर्ष यहाँ से फर्स्ट वाले की बात करते हैं, तो कहा गया कुछ शार्पनर बोतलें हैं, क्या दोस्तों कुछ शार्पनर यहाँ पर बोतलें दिख रही हैं,
तो हम कहेंगे नहीं दिख रही है। जब नहीं दिख रहा है दोस्तों, हम उसको तुरंत गलत काटेंगे। आगे सेकंड वाला क्या कह रहा है, कुछ बोतलें पेंसिलें हैं। क्या दोस्तों, कुछ बोतलें पेंसिलें दिख रहा है? नहीं, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा दोस्तों, हम कहेंगे यह भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कोई भी अनुसरण नहीं करता, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर 4 जो है यही बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे ही चौथा विकल्प सही आता है, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित संख्याएं समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। दोस्तों आपको बताते चले, यह सिमिलर सेट का प्रश्न है, मतलब कि जो इनमें संबंधता है वही संबंधता दोस्तों इसमें है, और बाकी इन विकल्पों में से भी ढूंढना है। अगर यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा भी हम ध्यान दे देते हैं तो हमें 3 और 2 कितना आएगा दोस्तों, 5 निकल के आने वाला है, 50 आ जाएगा। अब 50 से दोस्तों हमको 450 बनाना, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 9 से गुणा करेंगे तभी तो यहाँ पर 450 बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं तो 5 और 5 10 आएगा, 3 2 5 और 1 6 आएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर 60 में हम 9 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे 9 6 54 540 निकल के आने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों जो लॉजिक बन रही थी, लॉजिक क्या बन रही थी, ए प्लस बी और गुड़े का दोस्तों 9 बराबर का सी निकल के आने वाला। यही लॉजिक दोस्तों हम इनमें लगाए हैं। अब यही लॉजिक को देखते हैं किनमें काम करता है। अगर 20 और 9 29 करते हैं, 20 और 9 29 करते हैं और 29 को 9 से गुणा करते हैं दोस्तों, हम कहेंगे 9 9 81 काय के आंसर से देखेंगे यहाँ पर गलत आ जाएगा। आगे 8 और 7 करें दोस्तों 15 आएगा। अगर 15 में दोस्तों हम 9 से गुणा करते हैं तो 15 9 निकल कर आता है दोस्तों, 15 15 में 225 होता है। मगर 15 अगर 18 और 7 चलिए दोस्तों 18 7 करेंगे तो 25 निकल के आने वाला, 25 गुणे 9 करेंगे तो 25 9 225 निकल के आने वाला। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, कौन सा, विकल्प नंबर 2। तो विकल्प नंबर 2 इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे ही 2 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क दिया गया, इसके स्थान पर कौन सा नंबर निकल के आने वाला है इन चारों विकल्पों में से, दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ से हम 37 से 33 से 47 किस प्रकार से बनाए। हम कहेंगे दोस्तों इनमें कुछ ना कुछ जोड़ा या घटाया गया है, तो क्या जोड़ा घटाया गया है तो देखेंगे आगे। अगर हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर यह अल्टरनेट का बन रहा है, जैसे यहाँ पर देखें 33 44 फिर 47 जा रहे हैं, फिर दोस्तों घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं घट रहा है। यहाँ पर अगर हम दोस्तों अल्टरनेट का प्रयोग करते हैं दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ सही हो सकता है। जैसे यहाँ पर 33 से 44 44 56 और 56 दोस्तों 69 और 69 से फिर आगे। अगर यहाँ से चर्चा करते हैं 33 से 44 कैसे बनाया गया, हम कहेंगे प्लस का 11 किया गया। आगे 44 से 56 बनाना हुआ, हम कहेंगे प्लस का 12 किया गया। आगे अगर 56 से 69 बनाना हुआ तो प्लस का 13 किया गया। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जोड़ा गया है। ऐसे ही यहाँ पर देख लेते हैं 47 से अगर 58 बनाते हैं तो हम कहेंगे प्लस का 11 किया गया है। 58 से 70 प्लस का 12 किया गया है, और 270 से अगर हम आगे जाते हैं तो हम कहेंगे प्लस का 13 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसे हो रहा था और यहाँ पर भी ऐसे दिख रहा है 11 12 13। तो यहाँ पर 13 जोड़ते जोड़ेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर 3 आएगा, 7 और 1 8 83 निकल के आने वाला है। तो 83 विकल्प नंबर बी में है। तो विकल्प नंबर बी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही बी वाला सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। यह कहा गया है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। पूछा गया है कि जिस पर पी से यू अक्षर बने हैं तो यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बना अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों हमको यू का विपरीत ढूंढना है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे पी यहाँ पर भी है दोस्तों, पी यहाँ पर भी है, और यस यहाँ पर भी दोस्तों दिया गया, यस यहाँ पर भी दिया गया। बाकी दोस्तों जो एक बचता है वह एक दूसरे के दोस्तों विपरीत हो जाए, क्योंकि दो तो दोस्तों यहाँ पर समान दिख रहा है, तो इसलिए यह एक दूसरे के दोस्तों विपरीत हो जाते हैं। तो यही पूछा गया है कि यू का विपरीत कौन बनेगा, तो यू का विपरीत दोस्तों आर बन जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर सबसे अंत में दिया गया है, इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम ई से जी बनाते हैं तो ई हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 5 पर होता है और जी 7 पर होता है, तो 5 से 7 जाएंगे तो प्लस का 2 हो रहा है। अगर जेड से दोस्तों एक्स में जाते हैं, हम कहेंगे माइनस का 2 हो रहा है, माइनस का जेड 26 पर होता है और एक्स 24 पर, माइनस का 2 हो रहा है दोस्तों।
आगे यफ से अगर एच में जाते हैं, यफ 6 पर होता है, एच 8 पर होता है, प्लस का 2 हो रहा है। दोस्तों ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पर भी हम कर देंगे, तो क्यू में प्लस का 2 जोड़ेंगे तो क्यू होता 17 पर, 17 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो 17 और 2 हम करेंगे दोस्तों, या तो यहाँ पर 19 निकल, 17 और 2 7 2 9 7 2 9 दोस्तों यहाँ पर 19 निकल के आने वाला है। दोस्तों देखेंगे यहाँ पर तो किसी में भी 19 नहीं दिख रहा है, अब यहाँ से लॉजिक क्या बन रहा है, तो लॉजिक की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम कहेंगे जी से अगर जाना 7 से अगर 11, तो कहेंगे 7 और 4 11, 7 3 10 7 4 11, आगे अगर फिर 11 से हमको क्यों जाना हुआ तो हम कहेंगे 11 और यहाँ पर क्यों 17 पर 11 फिर 6 हो रहा है। तो आगे दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर 2 हो रहा था, फिर 4 होता, फिर 6, अब की बार दोस्तों 8 निकल के आने वाला है, तो क्यों 17 पर होता है, 17 और 8 करेंगे, 8 और 7 15 निकल के आने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर वाई निकल के आ जाएगा, 25 पर क्या होता है, वाई होता है, वाई दोस्तों हम कहेंगे 9 में दिख रहा है, 9 में दिख रहा है, तो यहाँ पर वाई के बाद जी आ रहा कि एफ आएगा, देखते हैं यहाँ से चर्चा करते हैं हम। तो जैसे यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जेड, जेड से यहाँ पर एक्स बनाएगा माइनस का 2, फिर एक्स से दोस्तों टी बनाएगा, हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर माइनस का 4 किया गया है, आगे भी हम माइनस का 4 यहाँ पर भी, क्योंकि 20 में से अगर 6 चलाया जाए दोस्तों तो यहाँ पर 14 बचेगा, सही है, यहाँ पर 6 में गया, अब की बार दोस्तों यहाँ पर 8 माइनस होगा, 8 माइनस होगा, तो यहाँ पर 18 है, 18 में से 8 माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो हम कहेंगे दोस्तों 18 में से अगर 8 माइनस होता है, सॉरी दोस्तों यह ना होता है 14 पर, 14 में से अगर 8 माइनस होता है तो कहेंगे 8 6 14 6 यहाँ पर निकल के आने वाला है, 6 पर क्या होता है यफ होता है, तो वाई एफ वाला सही हो जाएगा, वाई जी वाला गलत, तो या वाई एफ वाला, मतलब 3 नंबर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे दोस्तों 3 नंबर सही आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि इसको हमको इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है। दोस्तों यहाँ पर जो नियम होता है इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में लिखने का, तो हम कहेंगे दोस्तों जो सम में कॉमन होगा उसको हम काट देंगे, तो सम में कॉमन क्या दिख रहा है, यम ए दोस्तों सम में कॉमन दिख रहा है, तो यम ए यहाँ से हम उड़ा देंगे और यम ए यहाँ से हम उड़ा देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों यस बचा है, यस होता है 19 पर, और टी बचा दोस्तों, टी होता है 20 पर, और यन होता है 14 पर, जी होता है दोस्तों 7 पर, और यन होता है 14 पर। हम कहेंगे सबसे पहले दोस्तों कौन आएगा, सबसे पहले जो छोटा वाला है, मतलब कि जी नंबर 4 नंबर सबसे पहले आएगा, उसके बाद दोस्तों 14 में से कोई एक आएगा, 14 यहाँ पर भी है, 14 यहाँ पर, यहाँ से हम काट देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों 14 दिख रहा है और यहाँ पर एक दिख रहा है, एक, तो दोस्तों एक वाला पहले आएगा, मतलब कि 2 वाला पहले आएगा, उसके बाद एक नंबर आएगा, और यहाँ से 19 और 20, मतलब कि 3 नंबर आएगा और 5 नंबर आएगा दोस्तों, 421 और 35 विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। जैसे ही बी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 दिया गया है, कहा गया दोस्तों दर्पण को जब हम नीचे रखते हैं, यहाँ पर दर्पण को हम नीचे रखते हैं, अब दोस्तों दर्पण को यहाँ पर नीचे रखा गया है, हम दोस्तों जानते हैं दर्पण को अगर नीचे रखा जाता है तो हम कहेंगे इसका अप और डाउन चेंज होगा, अप से डाउन बन जाएगा, डाउन से अप बन जाएगा या चेंज होगा, मगर इस जहाँ पर दोस्तों राइट से लेफ्ट चेंज हुआ होगा वह गलत हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट हमको चेंज नहीं करना है, ना लेफ्ट से राइट ना राइट से लेफ्ट, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से जैसे सी है, सी को दोस्तों सी लिखा गया है, मगर यहाँ पर जेड बनाया गया, यह गलत हो जाएगा। आगे अगर चर्चा करते हैं तो यल, यल दोस्तों इस तरीके से निकल के आएगा, यहाँ पर किस में दिया गया है, हम कहेंगे इनमें नहीं दिया गया, अब इन दोनों में चेक करते हैं, तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे तो के लिखा गया, के का दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे लेफ्ट और राइट चेंज कर दिया, तो यह गलत हो जाएगा, तो इसलिए दोस्तों जो सही होगा वह विकल्प नंबर 4 ही बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। कौन सा दोस्तों, विकल्प नंबर 4। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर 4 सही होता है, यहाँ से यह इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से क्या ऐसी आकृति आएगी कि दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से आकृति आने वाली है, यहाँ पर इस प्रकार से आकृति आने वाली है, इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से आए, बिल्कुल सही है दोस्तों। हम कहेंगे चौथा विकल्प जैसे दोस्तों सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, 16वां प्रश्न है, कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 47 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ग्रीन को 49 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो बताना है उसी भाषा में फ्लावर को, मतलब फ्लावर वर्क दोस्तों को इस प्रकार से हम कूटबद्ध करेंगे। अगर यहाँ से दोस्तों हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर पहले हम क्या होता है, रियल सम की बात करते हैं, पहले दोस्तों हम रियल सम की बात करेंगे कि यार रियल सम से बात बढ़ रहा है कि नहीं, तब दोस्तों इसके विपरीत की बात, पहले हम रियल सम की बात करते हैं, यफ
यब की बात करते हैं दोस्तों, यब 6 पर होता है, ओ 15 पर होता है, और आर 18 पर होता है, सी 3 पर होता है, और ई 5 पर होता है। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो 5 3 8, 8 8 16, 16 और 5 करेंगे दोस्तों, 16 5 21, 21 और 6 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 27 निकल के आने वाला है। 2 आएगा, 2 और 1 2 2 4 दोस्तों, यहाँ पर 47 आ गया। बिल्कुल यहाँ पर हम कहेंगे रियल सम से बात कर रही है। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे जी 7 पर होता है, आर 18 पर होता है, और ई 5 पर, प्लस का 5 यानी 14 पर दोस्तों देखेंगे हम, तो 5 5 10 4 14, 14 और 8 करेंगे दोस्तों, 14 और 8 करेंगे हम कहें दोस्तों, 4 8 4 12, मतलब कि 22 निकल के आने वाला है। 22 और 7 करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे 22 और 7, कुल मिलाकर 29 निकल के आने वाला। 2 बचेगा, 2 2 4 दोस्तों 49 आ जाएगा, 49 यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है। ऐसे ही दोस्तों सेम लॉजिक हम यहाँ पर लगा देंगे। लॉजिक क्या लगा हुआ, रियल सम को जोड़ा गया बस। जैसे यब की बात करते हैं, यब 6 पर होता है, यल दोस्तों 12 पर होता है, और ए 1 पर, बी 22 पर, और ओ 15 पर, यू दोस्तों 21 पर, और आर 18 पर होता है। अगर इन सभी को हम जोड़ते हैं तो 8 1 9 9 5 14 9 5 14, 14 और 2 करेंगे दोस्तों, हम कहेंगे 16 हो जाएगा, 16 1 17, 17 2 17 और 2 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 29 निकल के, 17 2 19, 19 और 6 करेंगे दोस्तों, 25 निकल के आने वाला है। यहाँ पर 5 आ जाएगा, बचेगा 2 2 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2, 6 2 8 8 और 1 9, 95 दोस्तों इसका सही जवाब आ जाएगा। तो 95 विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी इसका दोस्तों बिल्कुल ही सही जवाब आने वाला है। जैसे सी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहा गया है 6 व्यक्ति दोस्तों, यहाँ सेटिंग मेरे अरेंजमेंट का प्रश्न है। जैसे कहा गया 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के पास था, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। दोस्तों 6 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर मुंह करके हम बैठा देंगे इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से बैठ जाएंगे। अभी हमने दोस्तों देखा था, तो इधर ऊपर दायां होता है, और इधर दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो इधर बायां होता है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बैठे। अब आगे चर्चा करते हैं कि क्या लिखा गया। कहा गया है कि सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। सोनल जो दोस्तों है, सोनल व प्रिया और स्वाति के, मतलब कि दोस्तों वह बगल में है। स्वाति यहाँ पर भी आ सकती है और प्रिया यहाँ पर भी है, मगर सोनल दोस्तों यहाँ पर भी, यहाँ पर ही रहेगी। तो इसका पोजीशन अभी कोनो फिक्स नहीं है स्वाति और प्रिया का। यह नहीं बताया गया कि या इसके लेफ्ट में है या इसके राइट में है। सोनल प्रिया के दाई, सोनल जो है दोस्तों वह प्रिया के दाई ओर ठीक बगल में बैठी हुई है। सोनल जो दोस्तों यह इसके दाई ओर बैठी, बिल्कुल यहाँ पर इसी तरीके से बनेगा। अगर हम यहाँ पर दोस्तों प्रिया को बैठा देते हैं तो इसके दाई ओर यहाँ पर सोनल बैठ जाएगी, और इस जगह पर दोस्तों स्वाति बैठ जाएगी। स्वाति दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर बैठे स्वाति इस जगह पर बैठ जाएगी। आगे कहा गया है कि स्वाति यहाँ पर बैठी है, एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। तारा और स्वाति, अगर दोस्तों तारा यहाँ पर नहीं आएगा तो तारा के लिए 2 स्थान बचा है, नहीं बैठी है। प्रिया के बाई और ठीक बगल में कौन बैठी है, प्रिया के ठीक बाई और बगल में कौन बैठे दोस्तों। यहाँ पर कहा गया सोनल प्रिया के दाई और ठीक बगल में बैठी हुई, बिल्कुल हमने बैठा दिया है। आगे काया, जया और तारा के ठीक बगल में बैठे, कौन बैठा हुआ है, काया। दोस्तों यहाँ पर कहा गया तारा नहीं है, तारा के लिए दोस्तों यहाँ पर स्थान बचता है, तो यहाँ पर काया आ जाएगी और यहाँ पर दोस्तों जया आ जाएगा, जया। तो पूछा गया है कि प्रिया के बाई और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो प्रिया के दोस्तों बाईं ओर, हम कहेंगे दोस्तों प्रिया यहाँ पर है, इसके बाईं ओर ठीक बगल में तारा बैठी हुई है। तो तारा विकल्प नंबर 4 में है दोस्तों, विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। यहाँ पर यह भी हम कहेंगे नंबर श्रृंखला का है, नंबर सीरीज का है। तो कहा गया दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, दोस्तों क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया, इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम कहेंगे कुछ ना कुछ जोड़ा या घटाया गया, कुछ ना कुछ जोड़ा या घटाया गया है। तो कैसे 61 कैसे बनेगा दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ इसको हम 16 लिख सकते हैं, पलट कर अगर लिखे तो यह क्या लिखा गया, यहाँ 25 लिखा गया, 25 का उल्टा या दोस्तों 36 का उल्टा किया गया, यह हम कहेंगे दोस्तों 49 का उल्टा किया गया, यह दोस्तों 64 का उल्टा किया गया है। देखेंगे ये सभी ना कि सभी किसी के वर्ग है, तो किसका वर्ग है, या 4 का वर्ग है, या दोस्तों 5 का वर्ग है, या 6 का वर्ग है, या 7 का वर्ग है,
और यह दोस्तों 8 का वर्ग है। अब की बार किस का वर्ग आएगा, 9 का वर्ग निकल के आने वाला। 9 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, 81 होगा। 81 को दोस्तों हम पलट कर लिखेंगे तो 18 निकल के आ जाएगा। तो क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, 18 आएगा, 18 विकल्प नंबर बी में। तो बी वाला दोस्तों यहाँ से बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। जैसे ही बी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 19 दिया गया है। कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह, मतलब दोस्तों जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या निकल के दोस्तों आने वाला है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर चर्चा करते हैं तो वाई से यक्स कैसे बनाया गया, अगर दोस्तों हम वाई से यक्स बनाते हैं तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि वाई से अगर दोस्तों हमको यक्स बनाना हो, क्योंकि वाई 25 पर होता है और यक्स होता है 24 पर, तो माइनस का एक किया गया है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम दोस्तों, हम यहाँ पर भी माइनस का एक कर देंगे, बी में से अगर एक चला जाएगा दोस्तों ए बचेगा, तो ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी दोस्तों गलत हो जाएगा। तो ए वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प दिखता है, तो वह है विकल्प नंबर 3 दोस्तों। यहाँ से विकल्प नंबर 3 जैसे सही होता है तुरंत हम यहाँ से भागते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट की तरफ भागेंगे। नेक्स्ट वाला प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 है। कहा गया दोस्तों यहाँ पर भी बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा। अगर देखेंगे तो दोस्तों तो यहाँ पर जितने भी अक्षर हैं इतने भी अक्षर दोस्तों यहाँ पर भी आ रहे हैं, और जितने भी यहाँ पर दिए गए जो जो अक्षर वह हुआ दोस्तों यहाँ पर आ गए, मगर इनका स्थान कुछ ना कुछ बदला गया है। तो कैसे बदला गया दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो ओ को सी लिखा गया, मतलब कि इस प्रकार से क्रॉस में बदला गया है, ओ लिखा गया, सी लिखा गया, एफ लिखा गया, एम लिखा, बिल्कुल। और दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 3 को बदल देंगे, अब की बार हम 3 को बदल देंगे, आर वहीं पर आएगा, टी बदलेगा, आर वो दोस्तों इस प्रकार से बदलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको भी बदल देंगे, तो कैसे बदलेंगे, आई डी हो जाएगा और आई जी हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर बदलेगा आई जी, फिर यहाँ पर अंत में 3 बच रहा है, हम कहेंगे एल हो जाएगा इधर, और बीच में ए है, ए रहेगा, और इधर टी आ जाएगा। दोस्तों यह किस में दिख रहा है, अगर इस प्रकार से हम देखते हैं तो इस प्रकार का जो दिख रहा है वह विकल्प नंबर 1 में दिख रहा है, तो विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। जैसे पहला सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे यह होमवर्क का प्रश्न है, यह जो होमवर्क का प्रश्न है इसको दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब कौन सा विकल्प निकल के आने वाला है। दोस्तों धन्यवाद, अगर आप सभी को यह क्लास अच्छी लगती हो दोस्तों आप सभी इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी ने अभी तक इस चैनल में दोस्तों जुड़े नहीं हैं तो इस चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डेली ऐसे दोस्तों प्रैक्टिस सेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि दोस्तों लेटेस्ट वीडियो डालने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। धन्यवाद दोस्तों।